हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अहमद और मैं हूं फिलजा अहमद। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आप ही के देश हिंदुस्तान के मुतालिक है। हमें ये चंद दिन पहले वीडियो फेसबुक के ऊपर नजर आई तो हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो के ऊपर आपसे रिएक्शन और रिव्यूज शेयर किए जाए। इस वीडियो के अंदर बताया गया है व्हाई इज इंडिया ग्रेट, तो आप सब तो जानते हैं, आज हमें भी जानने का मौका मिलेगा। तो आइए मिलके देखते हैं और हमें साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा आप क्या क्या कुछ हिंदुस्तान के मुतालिक जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों में कर दीजिएगा शेयर। तो लेट्स प्ले द वीडियो। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because by year 2022 we'll destroy China's population 1.4 billion or uneven social stratification. Yeah, hamara system, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No. Nahi. Sari duniya ek parivar hai. Vasudhaiv Kutumbakam. Aisi sanskriti, sabhyata wala hamara desh jo hum sabke seene mein dhadakta hua hissa hai. उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुँचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन था जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था, और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हिमा दास, पंकज अडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बाकी है, क्योंकि क्रिकेट के तो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। There is no country more diverse than India. रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्यौहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज़्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ये नहीं पता था। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन और कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेंपल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1,00,000 लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहाँ 3,00,000 से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहे गुरु की अरदास है, रहीम की खीर है,
और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा इन गेट 100% धोखा, ये हर जगह पे जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, वैसे ट्रेन से याद आया, यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहने ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अमगे इज द शॉर्टेस्ट वुमन इन द अर्थ। दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। And we have recognized third gender. Everyone is guaranteed their rights in our country. और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्यूजीन, दाल बड़ा मजे का लगता है, बहुत मजे। हमने दुबई में ये ट्राई किया था, खट्टा मीठा चटपटा हर जायका है लाजवाब। दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत, जहाँ विश्व की 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है, द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जगुआर लैंड रोवर इन द टाटा ग्रुप, एंड CEO ऑफ गूगल, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, Adobe, PepsiCo and many more. अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है, और अब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज 21st Century Fox, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही है, और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। Because Shahrukh Khan is the richest actor on the planet. और पूरे वर्ल्ड में Amazon Prime Video इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1,00,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53° सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4° सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं, वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहां देश को देश नहीं, माँ,
भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। अभी मेरा तो दिल कर रहा है कि इंडिया विजिट किया जाए। इंडिया बिल्कुल प्लान किया जाए कि इंडिया का एक विजिट करके आया जाए। क्या कुछ जाने को मिला? ब्रेक के लिए आज से पहले हमें नहीं पता था कि इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान में ये कुछ है। तो अब एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई है कि हिंदुस्तान में विजिट किया जाए और देखा जाए ताजमहल को और छोटी छोटी वहाँ के रीत रवाज को, वो कुजीन इंडिया की जो बहुत मजेदार खाने, वो पूरा जो थाल, वो हाँ वो सुना है कि कुछ थाल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्शंस दिए होते हैं तो वो देखा जाए, और वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू उधर विजिट किया जाए। काफ़ी कुछ हिंदुस्तान में देखने को है, तो काफ़ी मज़ेदार इन्फॉर्मेशन जानने को आज हमें मिली है। और एक अब दिल चाह रहा है कि यार यहाँ से किसी तरह कुछ बने और हम विजिट करें। तो प्लान करते हैं जी, अप्लाई करते हैं वीज़ा इंडिया का, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर एक ये भी विजिट रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिला। कुछ आप लोग भी हमसे शेयर कीजिए कि आपके हिंदुस्तान के अंदर क्या नया है, क्या रीत है, क्या रवाज है, कैसे लोग पाए जाते हैं, क्या नेचर, किस तरह की नेचर पाई जाती हैं। तो कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग हमसे भी शेयर कीजिए। और आखिर में उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद। मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कैसी वीडियो चाहते हैं, हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या लगा बुरा, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी इस मुतलिक भी हमें कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक, दोस्तों में कीजिएगा शेयर, और अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे जल्द आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।